हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, थोड़ा सेटअप अलग है और आज की जो वीडियो है वो भी थोड़ी बहुत अलग है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने फोन को एक जबरदस्त तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। गाइस, काफी लोग जब मुझे पूछते रहते हैं कि मैं कौन कौन से वॉलपेपर्स यूज करता हूँ, कहाँ से डाउनलोड करता हूँ, तो गाइस आप लोगों को मैं सीक्रेट सा बता दूंगा कि वॉलपेपर्स कौन से यूज करता हूँ। साथ ही साथ यार, यहाँ पे कस्टमाइजेशन जो है ना फोन की, वो बेसिकली एंड्रॉइड फोन वाली है। जैसा आप लोगों को पता है, एंड्रॉइड फोन हम लोगों के पास क्या है, तो अगर आप लोग के पास एंड्रॉइड फोन है तो भाई मजा आ जाएगा आप लोगों को ऐसी कस्टमाइजेशन, अलग अलग लॉन्चर्स, अलग अलग आइकन पैक, अलग अलग आप लोगों के फोन के अंदर लुक्स जो है इन कस्टमाइजेशन से आप एक पा सकते हैं। सो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को आज का जो सेटअप है पसंद आया नहीं आया। अगर आप लोगों को आगे भी ऐसे वाला सेटअप चाहिए, नहीं तो मैं वापस अपने उस वाले सेटअप पे चेंज जाऊंगा जो उस साइड है। और अगर ये वैसे मैंने नया बनाया भी, और अगर आप लोगों को इसकी वीडियो चाहिए, ये बेसिकली मेरा स्ट्रीमिंग सेटअप है, इसके ऊपर हम पबजी खेलते हैं, तो ये वाला है। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना। बाकी अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, हाउ टू कस्टमाइज योर एंड्रॉइड फोन। सो गाइस, सबसे पहली जो चीज़ होती है अगर आपको कोई भी फ़ोन कस्टमाइज़ करना है, उसके अंदर ये रहता है कि आपका जो वॉलपेपर है वो सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है। एंड गाइस, जो वॉलपेपर है वो आप काफ़ी अलग अलग जगहों से लाइक ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मैं जो यार मेन वॉलपेपर जो यूज़ करता हूँ, वो यूज़ करता हूँ बैकड्रॉप से। एंड गाइस, ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा मस्त है और आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। और लाइक यहाँ पे देख सकते हो आप अलग अलग तरीके के, आपको हर एक, मतलब मेरे को ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है और मेरे ज़्यादातर वॉलपेपर यहीं से होते हैं। अब बात करूँ जैसे और वॉलपेपर मैं कहीं से डाउनलोड करता हूँ, तो गाइस सिंपल आप क्रोम पर सर्च कर सकते हैं, लाइक ड्रैगन बॉल सी वॉलपेपर्स, या फिर जैसे कोई भी एनिमे का वॉलपेपर अगर आपको चाहिए वो सर्च कर सकते हो, गाड़ी का जो आपको पसंद आ उस तरीके से। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जैसे मैंने अपने वॉलपेपर के ऊपर एक स्किन चढ़ा रखी है येलो कलर की, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे एक येलो एक्सेंट दे रहा है ये वॉलपेपर, तो इस चक्कर में मैंने इस वॉलपेपर के अंदर ये वाला देखा तो मेरे को ये पसंद आया। और लाइक मिनिमल भी है और काफी ज्यादा ऐसा, मतलब ज्यादा चटक बटक सा भी नहीं, और सिंपल है और बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है क्रेयॉन से कुछ ड्रॉ कर रखा है और वो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड गाइज, ये जो वन प्लस के, इसके अंदर मैंने कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर रखी। सो गाइज, ये जो रियलमी यू वन है, इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कर रखी है। एंड गाइज, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हो, बट मैं अपने थोड़े मेथड्स दिखाऊंगा आप लोगों की मैं किस तरीके से कस्टमाइज करता हूं। तो गाइज, ये जो लुक है ये मेरा बिल्कुल प्लेन लुक है, और जब आप फोन को, जैसे कोई बंदा स्ट्रेंजर उठाता है आपका फोन, जैसे घर में कोई उठा रहा है, तो उसे मतलब समझ नहीं आएगा कहां से क्या चीज़ ओपन करनी है। और ये गाइज प्राइवेसी के मामले में बढ़िया मस्त काम करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें बस ये लाइव वॉलपेपर है, जो कि एक मैं कह सकता हूं अल्टीमेट लुक जो है एनहांस कर रहा है इस फोन का। और अगर स्टैटिक रहोगे ना आप, तो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने लाइव वॉलपेपर यहाँ पे लगाया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बट ये एक तरीके से मेरा जो है ना सीक्रेट, कहते हैं ना सीक्रेट लुक, ये वो है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो आइकन पैक है वो भी बिल्कुल ब्लैक्ड आउट है। और जो यहाँ पे मैं लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ वो है एक नोवा लॉन्चर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नोवा लॉन्चर है, और उसके अंदर मैंने हर चीज़ जो है यहाँ पे हटा दी है, और जो डॉक है वो भी रिमूव कर दिया है, और बस यहाँ पे एक हल्का सा एरो दिख रहा है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइक स्पॉट करने में मुश्किल हो जाएगी किसी को, जो कि पहली बार आपको फ़ोन उठा रहा है, जैसे जल्दी है फटाफट से आपको चेक करने की, ऐसा होता है कोई खा रहे तो भाई भाई होते हैं, भाई अब आप फोन दिखा अपना चेक करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा पूरा जो रेट्रो लुक है, ऐसा ब्लैक लुक है, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो ये एक लुक है जिसके अंदर कि मैंने जो है सेटिंग्स, अगर आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे लुक एंड फील के अंदर जाके, और जो आइकन पैक वो यूज़ करा मैंने डोगन, इसका जो लिंक है मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक स्प्लेंडेड है, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन ये इतना तो मस्त है जितना दुर्गन है। सो गाइस, ये जो लुक हो गया हमारा नोवा लॉन्चर का, अब नेक्स्ट लुक दिखाता हूँ मैं आप लोगों को हमारे CPL लॉन्चर का। सो गाइस, ये जो CPL लॉन्चर है इसके अंदर भी आप लोग सेम यही लुक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो है थोड़ा काफी डार्क वाला मैं आपको फील देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी डार्क आपको हर चीज मिलती है, तो ये लुक भी यहाँ पे आजमा सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आप लोग बता रहा था वॉलपेपर बहुत बड़ी चीज होती है, यहाँ पर मैं एक वॉलपेपर चेंज करता हूँ क्योंकि मैंने ये डाउनलोड करता गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं वाला वॉलपेपर लगा के, एंड देखना आप लोगों को पता चला कितनी ज़्यादा इसने पूरी ये होगा इस फील पूरी की पूरी फोन की चेंज हो चुकी है। बट ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँ, यहाँ पे मैं आप लोग बिल्कुल इस CPL लॉन्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें जो चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस, मेरे को जो है ना विजिट्स का काफ़ी ज़्यादा शौक नहीं है, तो इसलिए मैं विजिट्स अपने फोन के ऊपर लगा के रखता नहीं हूँ। बट आप लोगों अगर शौक है विजिट्स का, तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विजिट्स अपने फोन के ऊपर। बट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे होम सेटिंग्स में जाता हूँ, थीम में जाने के बाद गाइस आइकन पैक के अंदर, आइकन पैक के अंदर स्प्लेंडेड चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे बस मैं दो चीज़ें चेंज कर रहा हूँ और इस थीम को मैं वाइट कर देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब जो आइकन पैक है वो भी चेंज हो चुका है, और जो थीम हमारी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। गाइस, यहाँ पे मैंने जो थीम चेंज करी, तो गाइस आप इस तरीके से ये वाला जो सेटअप अपने फोन के ऊपर पा सकते हैं। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पूरा पूरा जो प्रोसीजर होता है यार, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वॉलपेपर और आपके आइकन पैक के ऊपर डिपेंड करता है, और आप लोग अलग अलग आइकन पैक से अपने फोन को जो है अलग अलग तरीके का बना सकते हैं। गाइस, यहाँ पे जो है प्ले स्टोर के अंदर आपको होल लॉट ऑफ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि हेक्स ट्रेडर प्रीमियम, जो कि मैंने आपको उस टाइम पर वॉलपेपर दिखाया था वो ये था, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी तरीके के आपको आइकन पैक देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से आप अपना फोन जो है सेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको अपनी सीक्रेट बताई थी कि मैं वॉलपेपर कहाँ से डाउनलोड करता हूँ और अपने आइकन पैक क्या लगाता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो है कोई भी फोन जो है इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड गाइस, जो काफ़ी अच्छी स्किन आप लोगों को मेरे दोनों डिवाइस के ऊपर
लग रही है, आइए रैप कार्ड की तरफ से गाइस। रैप कार्ड का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनके पास Realme 2 Pro से लेकर Realme U1 OnePlus 6 हर एक स्मार्टफोन की स्किन है और काफी सस्ते प्राइस के अंदर 250 रुपीज की तरह आप लोगों को स्किन देखने को मिल जाती है हर एक तरीके की, तो आप लोग वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। देन गाइस नेक्स्ट चीज जो आप लोग अपने फोन के अंदर कर सकते हैं कस्टमाइजेशन के अंदर ही, वो आता है आपका कीबोर्ड। तो गाइस कीबोर्ड है एक जिसका नाम है क्रोमा कीबोर्ड। एंड गाइस वो जो कीबोर्ड है वो आप लोगों की जैसे देख सकते हो जो थीम है ना ऐप की उसे अडॉप्ट करता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आई लाइक प्ले स्टोर की थीम लाइक ग्रीन है, उसने ग्रीन को अडॉप्ट कर लिया। साथ ही अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे अपना YouTube खोल के, तो YouTube की जो थीम है वो रेड है, और अगर यहाँ पे सर्च में जाओ तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड आ गया। तो इस तरीके से जो यार ये वाला जो लाइक पूरा क्रोमा कीबोर्ड है काम करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों को अनाउंस मेरे को लगता है अनाउंसमेंट दे सकता है आपके स्टॉक कीबोर्ड के ऊपर। तो यार मेरे को डेफिनेटली बताना आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं जो चार टिप्स एंड ट्रिक्स कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, पसंद आई या नहीं आई। सो गाइस आशा करता हूँ आप लोग आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई यार इस वीडियो को बड़ा सा लाइक, बाकी यार जो जो मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो के अंदर चेक जरूर करना, और रैप कार्ड जो एक वेबसाइट जिसके बारे में मैंने तो बताया था आप लोगों को जिससे आप स्किन खरीद सकते हो उसे भी एक बार चेक कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आई दोबारा से लाइक कर दो, चैनल कर देना, सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।